أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين पिछले बहुत हफ्तों से बल्कि दो तीन महीने हो गए बहुत सख्त किस्म के टॉपिक्स चल रहे हैं लेकिन सहाबा का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और बाद में मुसलमानों का भी यही अल्लाह ताला ने उन्हें ये तौफीक दी है कि हर मुश्किल हालात में हर तकलीफ़ तंगी में भी उनको खैर नज़र आती थी उनको अल्लाह से मिलने की उम्मीद नज़र आती थी तो इसी तरह जितने भी स्ट्रेसफुल हालात हों मुस्कुराना नहीं भूलना चाहिए और गफलत लहवो लाभ तो अलग चीज़ है लेकिन वैसे मोहब्बत के साथ हंसना खेलना ये अच्छी बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हल्का फुल्का मजाक अपने साथियों के साथ करते थे अपनी अजवाज के साथ भी करते थे तो हमारी वीडियोस और लेक्चर्स देख देख के ना सबको लग गया कि भाई पता नहीं ये तो क्या मत क्या उनके अलावा कोई बात ही नहीं करते तो अल्लाह का बड़ा करम है अल्लाह का बड़ा शुक्र है जब अल्लाह कोई सख्ती वाला मामला सख्ती वाली वो दिखाता है तो ज़ाहिर असर होता है फिर हम आगे ट्रांसफ़र भी करते हैं लेकिन ओवरऑल अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ओवरऑल बड़ा नरमी की हुई है बड़ी मोहब्बत का मामला किया हुआ है और बड़ी खैर का मामला है और जो अल्लाह का सुन्नत है वो अहले खैर के साथ अल्लाह ताला बहुत नरमी करता है और अहले बातिल को अल्लाह ताला बहुत सख्ती से पेश आता है तो जैसे ये बात मुसल्लम है कि अल्लाह की कसम अल्लाह का के अज़ाब का फ़ैसला हो चुका है इसी तरह ये बात भी मुसल्लम है कि अल्लाह की कसम अल्लाह ताला अहले हक से इमाम मादी और उनके साथियों से बहुत मोहब्बत करता है उसमें कौन आता है कौन नहीं आता दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको हम सब को उनमें शामिल फरमाए लेकिन ये बात मुसल्लम है कि इमाम मेहदी के हकीकी साथी वो कौन है कौन नहीं लिस्ट अल्लाह ही जानता है मुझे भी नहीं पता मैं हूँ कि नहीं आप हैं कि नहीं अल्लाह ही बेहतर जानता है लेकिन ये बात मुसल्लम है कि अल्लाह की कसम अल्लाह ताला अहले हक से अल्लाह ताला के सही इताअत करने वालों से इमाम मेहदी के हकीकी साथियों से अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करता है तो हमारे भी इधर ऑफिस में जो हमारे साथी हैं आते रहते हैं गपशप रहते हैं आप सब आते हैं तो बड़ा जो माहौल होता है ना वो बड़ा लाइट होता है बहुत लाइट माहौल होता है और बल्कि हमें वो जो मोड अल्लाह की तरफ से आता है ना उसको फिर अडॉप्ट करना पड़ता है फिर ट्रांसफ़र करना पड़ता है ओवरऑल मोड बड़ा लाइट होता है वो जैसे नहीं बमसी और दुआन हर वक्त मस्ती में लगे रहते थे तो अक्सर ऐसे ही होता है तो किसी ने अपनी तलवार से निकाह किया हुआ है किसी के को लव स्टोरी है और कोई बबल का गुब्बारा बहुत बड़ा बना के पूरे मुंह पे लगा लेता है तो ऐसा मामला है तो इसलिए हमने सोचा कि आज कुछ फैमिलीज़ भी आई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये साथियों की सब लोग बच्चे भी हैं बड़ा अल्लाह का शुक्र है बड़ा लाइट माहौल है तो तसीफ़ की ख्वाहिश भी थी बड़े अरसे से तो आज वो पूरी कर ही लेते हैं तो तसीफ़ से ही शुरू करते हैं तसीफ़ ये अभी कैमरे ऑन होने से पहले आप क्या कह रहे थे ज़बीरुल्लाह को ये माइक जो भी लेना ये बिल्कुल करीब जितना आप करीब रख सकते हैं ऐसे बोलना है ये कह रहे हैं इज्जत बचानी है अच्छा हंसना बहुत ज़ोर से नहीं है मुस्करा सकते हैं चलें थोड़ा आप इतना भी हंस सकते हैं लेकिन वो जो ज़ोर का कहका है शैतानी कहका वो आपको भी पता है शैतानी वो जो अक्सर हॉरर मूवीज़ में इवल चीज़ों में दिखाया जाता है वो मुनासिब नहीं है थोड़ा हंस सकते हैं अच्छी बात है लेकिन बहुत ज़ोर का हंसना भी मुनासिब नहीं है तो आप बताएं क्या कह रहे थे ये बबल वाली बात कर रहा था क्या बात कर बीरुल्लाह भाई से रात को मैं वैसे डिस्कशन हो रही थी किसी बात पे ऑफिस में तो सारे बैठे हुए थे तो इन्होंने नमाज करके बोले लेट नाइट नमाज पढ़ी है ना साथ में बबल भी वो चिंगम भी चबा रहे थे साथ तो मैं थोड़ा नोट कर रहा था ये बेध्यानी में देना इन्होंने दो तीन दफ़ा इतना बड़ा सपना क्या बबल बबल का तो दो तीन दफा फोड़े दिन में भी जब नमाज क्या कह रहे थे उस दिन में जोर नहीं पिला रहे थे जब जोर हमने इकट्ठे पड़ी है ना जोर में भी मैंने खाया पढ़ चुका हूँ तो मुझे याद
تھی ببل تو پکا کال تو خضر بھی نے فتویٰ بھی لگایا جی کہ یہ تو فضول خرچی ہے اچھا ببل کھانا پانچ روپے کی سپاؤٹ کھانا فضول خرچی تو اس پہ بھی جو ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کام ہو لیکن نہیں ہو رہی میں نے کئی اور لوگوں کو میرے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے بھی کھا رہے ہیں اچھا اچھا کئی اور لوگ بھی جو ہے نا اس عادت میں مبتلا ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے تو خضر یار کیا بات ہے یہ دیکھ خضر کو خضر بھائی یہ کیا چکر ہے یہ آپ فتوے بازی سے کیوں نہیں باز آ سارے فتوے اپنے لیے ہی رکھے ہوئے ہیں باقی وہ رمضان کا دروف جو ہے نا وہ پیالے کو چومتا رہے اس کے لیے پریڈ نکالتا رہے وہ بھی جائز ہے لیکن ہم چنگم میں چبا لیں تو وہ فتوا لگتا ہے کیا چکر ہے خضر نہیں وہ اصل میں قریب کر کے اپنی سوچ ہے نا وہ قریب کر کے بولے یار ببل دکانیں دو یار ہر بندے کی اپنی سوچ ہے نا مطلب دین کو کس لحاظ کس طرح دیکھتا ہے تو وہ پھر اس لحاظ سے میں نے بات کی تھی تو وہ جو بس وہ تھوڑا سا مزاحیہ انداز میں وہ بات تھی وہ جو ببل والی بات تھی نا لیکن اس کے مائک کو سے اشارے نہ کرے دوسرے ہاتھ سے اشارہ کر لے اچھا اچھا تو ایسے اس کو ایسے رکھ کے بولے ہاں بس وہی بات تھی کہ مذاق میں وہ بات ہو رہی تھی تو مذاق کر رہے تھے اچھا تو یہی بات تھی اچھا اچھا تو یہ جو آفس ہے نا ہمارا تو ادھر بڑی اچھی کمیونٹی بنی ہوئی کبھی کوئی آتے ہیں رہتے بھی ہیں کتنا رات بھی گزارتے ہیں دن بھی کبھی فیملیز بھی آتی ہیں کیا کہا آپ نے فات کی بھی باری آنی ہے تو سب سے پرانا نا ادھر توصیف ہے تو توصیف کے ساتھ بڑے لطیفے ہوئے ادھر توصیف یہ ہم بتائیں گے تو پھر تو پھر یہ تصیف سے ہی سنتے ہیں جی تصیف کوئی آپ کے ساتھ کوئی بٹن آف کر کے تو نہیں کر رہے ہاں لطیفے تو کافی ہوئے ہیں لیکن دو تین جو ہیں وہ بہت زیادہ جو مجھے یاد ہیں تو کون سا والا جو آپ کو پسند ہو کون سا والا فرشتے ہاں فرشتے والا بھی ہے قریب کر کے والا پہلے تو جب شروع میں آیا تھا نا آفس میں تو بھائی ادھر تھے اسپائک نہیں آ رہا یہاں پہ یہ بالکل قریب کرو ابھی آ رہے ہاں ابھی آ رہے تو شار بھائی ادھر تھے تو آفس میں اب اویس بھی گھر چلے جاتے تھے بھائی بھی نئے نئے تھے انہیں بھی کوئی چار پانچ دن ہوئے تھے مجھے بھی چار پانچ دن ہوئے تھے تو انہیں ادھر کی زبان نہیں آتی تھی پاکستان کی تو وہ کہتے تھے ساتھ ساتھ سیکھ رہے تھے نا اچھا اب میری انگلش بہت کمزور تھی تو ان کو اردو نہیں آتی تھی تو اب انہوں نے کوئی ایک دو ورڈ پہلے ایک دو دفعہ ہوئی ہے نا تو انہوں نے کوئی ایسی ورڈنگ مجھے بتائی ہے جو کہ یعنی بالکل فنی تھی تو میں نے وہ اویس بھائی کو کہا کہ اس نے مجھے یہ والا ورڈ کہا انگلش اب پتہ انگلش کا انگلش کا کچھ تو مجھے نہیں یاد وہ انہوں نے کہا تو اب انہوں نے اویس بھائی ہنسنے لگ گئے مجھے سمجھ آ گئی کہ اس نے میرے ساتھ شرارت کی یہ دوسرے دن صبح وہ اٹھے ہیں نا آپ کو صاحب بات سمجھ نہیں آئی اردو بھی آپ کہتے ہیں انگلش نہیں آتی تو چلیں مان لیتے ہیں صرف انگلش ہی نہیں آتی سمجھ آئیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کو انگلش سکھا رہا تھا تو انگلش میں اس کو ورڈ سکھاتا تھا روزانہ کہ اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے تو نے اس کو کوئی الٹا مطلب ورڈز بتا دیے جن کا الٹا مطلب تھا اور کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے مثال کے طور پر کوئی کہا ہوگا کہ نان سینس یاد نہیں ہے تو نہیں تو آتے ہیں لیکن وہ کوئی بہت پیچیدہ ورڈ تھا ہاں کوئی ایسا ورڈ کہا نا کہ نان سینس کا مطلب ہوتا ہے کہ ویری گڈ یا اس طرح کا کچھ اس نے الٹا اس کو مطلب سکھایا تو اب آگے شروع کرو تو پھر وہ اویس بھائی نے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں بنتا انہوں نے بتایا بھی تھا خیر تو اگلے دن پھر اس طرح ہوا کہ میں نے وہ دماغ میں بات رکھی ہوئی تھی نا تو ناشتہ کرنے ہم ادھر جاتے تھے نا اب ناشتہ کر رہے ہیں نا تو یاد آ گیا مجھے بھائی مجھے کہتے ہیں کہ نا وہ اب مجھ سے اردو سیکھ رہے تھے میں ان کو اردو سکھا رہا یہ صحیح سکھا رہا تھا اپنی طرف سے شرافت سے وہ شرارت کر رہا تھا اس نے پہلے انگلش مجھے سکھائی ہے تو پھر میں نے اسے اردو سکھانا اسٹارٹ کیا اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں صبح کے جیسے انگلش میں ہوتا ہے
ब्रेकफास्ट लंच इस तरह डिनर, तो उसने उसने कहा कि इसको क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट को, तो मैंने उसे कहा कि नाश्ता होता है उर्दू में, मैंने कहा इसे रिश्ता कहते हैं। अच्छा आया ना, तो उसने अब याद कर लिया। दो वर्ड जिसने सिखाए ना, एक वो भी कमा रहा था, ये भी कमा रहा था, रिश्तों की भी बातें चल रही थी, तो ये साथ में उसने ये भी सिखाया कि जो होता है प्रपोजल होता है ना उसको नाश्ता कहते हैं, और जो सुबह खाते हैं उसको रिश्ता कहते हैं। अच्छा वो जब ये वाली बात हो गई ना, तो उसने कहीं अवैध भाई के साथ, अवैध भाई को फिर इसी तरह कोई फनी बात हुई, कल वाली बात छिड़ी ना कि इसने इंग्लिश का ये वर्ड, मैंने कहा मैंने भी सिखाया है ना इसको एक बार। तो मैंने अवैध भाई को आया, तो अवैध भाई कहते हैं यार कुछ कुछ खैर करो, ऐसा ना होटल है अवैध भाई, ये कल को जाए और कहे कि एक रिश्ता दो। रेस्टोरेंट वालों से ना नीचे ढाबे वालों से जाके कहे एक एक रिश्ता दे। उन्होंने कहा कि अवैध भी कहते हैं यार ये इस तरह का मजाक नहीं ठीक। तो फिर उससे बाद में समझ आ गई थी कि ये मेरे साथ इसने प्रैंक किया है। तो ये पहला सबसे जो मुझे याद है ना, जो अभी तक याद है, बाकी चलते तो काफ़ी रहते थे इस तरह थोड़े थोड़े। रिश्ता भी तो आ गया था रूह कब्ज कर। उसमें इस तरह था कि हमारे जैसे ऑफिस में वो लैंप है ना, करीब करके बिल्कुल करीब करके, हाँ। दूसरे हाथ से इशारा कर लो ताकि तसल्ली रहे, इशारा तो जरूरी है ना। वो ऑफिस या लेफ्ट से पकड़ लो, राइट से इशारे करो, ठीक है नहीं इधर वो नजर आ रहा है कि वो आवाज बहुत कम आ रही है, ऐसे ऐसे। वो ऑफिस में लैंप है जिसमें वो पीछे बैकग्राउंड में भी आ रहा होता है। अवैस भाई घर थे, भाई भी बाद में चले गए, तो मैं अकेला था ऑफिस में। थोड़ा इस तरह का मौसम था, थोड़ा यानी जैसे सर्दी भी थी थोड़ी, इस तरह गर्मी भी थी, पंखे थोड़े थोड़े इस तरह से चले हुए थे। तो मैं अकेला सोया हुआ था ऑफिस में ना, जब रात को सोया हूँ तो मैंने ना कमीज उतार के ना लैंप के ऊपर टांग दी है, तो लैंप मेरा था टांगों वाली साइड पे। ऐसा ऐसा पंखा चला हुआ था। तो उसका सीन इस तरह हुआ कि मैं अब अचानक मेरी आँख खुली है, कहीं लेट नाइट 2-3 होंगे इस तरह का टाइम होगा, अकेला था ऑफिस में। अब मेरा थोड़ा वो का भी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ना वो घड़ी जो लगी उसकी रोशनी आ रही उसमें नज़र आ रहा था, तो थोड़ा थोड़ा पंखा चल रहा था, तो कमीज़ ऐसे हिल रही थी, तो लैंप था आँखों वाली साइड में। मैंने ऐसे आंखें खोली हैं तो मैंने देखा है ना, पहले तो मैं डर गई हूँ बिल्कुल, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। वो यानी टांगे नहीं थी ना, बस एक दो बाजू है और मैं पहले तो परेशान हो गया, मैंने कहा ये क्या चीज़ है, थोड़ी देर तो मैं डर गया हूँ पहले, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा गौर से देखा है उसे, तो मुझे फिर समझ आई कि मैंने कहा यार पहले तो इसने सोचा होगा कि फरिश्ता आ गया रूह कब्ज़ करने, पढ़ लो कलमा अशहदु अल्लाह इला। तो और भी इस तरह के बड़े स्टोरीज हैं, कोई खिजर की भी सुनाओ यार, या खिजर हमें सुनाएगा, आप किसी की सुना दो। चलो जी दो खिजर को दो। माथे में बल डाल के कंफ्यूज हो, हाँ ये आप पकड़े, हाँ वो हिला देते हो, वो सही कह रहे हैं, इनको पकड़ने दो करीब करके। हाँ नहीं वैसे वो स्टोरी तो नहीं ये आनी चाहिए। चलो कुछ भी बता दो करीब करके। ये चलें जी अब्दुल्ला सुनाएगा, दो जी अब्दुल्ला को इधर, तो सिर्फ इसको कैमरा लगाओ इधर, हाँ ये बैठे बैठे लगा लो। किधर भी आप इधर आए, नहीं नहीं हाँ वो उधर बैठ जाएगा कैमरा फिट। अच्छा चलो ठीक है, उसमें हुआ इस तरह से था कि हम लोग सारे बैठे हुए हैं ना ऑफिस के अंदर ही थे, तो जबीला भाई ने कहा कि मुझे वहाँ उतार के आ जाए HA2 में ना, इनका कोई काम था उधर, तो हमने कहा ठीक है। तो साथ ही वैस भाई ने कहा कि फात भाई भी आए हुए हैं इस्लामाबाद, तो इसी बंदे को ना वो दिखा के आ जाए फैसल मस्जिद, उनको मतलब बहुत शौक था कि देखनी है। अब शाम का टाइम मगरब का टाइम था, तो पहले तो खिजर भाई के कोई और इशू चल रहे थे, जरा ना उस तरह बहुत उस तरह थे, वो गुस्से में थे जरा जरा ना, तो
इनको मैंने कहा कि हैदर भाई ना वो जाने का टाइम है तो जाना ना फैसल होने, कहते हैं ये कौन सा टाइम है जाने का, मगर ये टाइम थोड़ा टाइम सिरे से जाए सही पंप थे ना हैदर भाई उस टाइम पे। तो खैर मान गए हैदर भाई, तो फात भाई भी उतरे हम सारे गए। तो अब खुरम भाई जो बड़े वाले ना फौजी खुरम थे, फात भाई और जबी भाई ना, मतलब जो तीनों बंदे बाहर बाहर के ना वो एक बाइक पे थे, हम दो इस्लामाबाद वाले एक बाइक लेके, थोड़ा आइडिया आइडिया अच्छा, जो शहर से बाहर के थे उनको रास्ते नहीं पता थे, वो एक बाइक पे। फिर दो उसको क्या कह रहे हैं वो अलग स्टोरी है। अच्छा वो अलग है। तो पहले तो पता नहीं बाइक को वो किक मारते रहे, हमने बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो फाद भाई ने कहा कि यार किधर बाइक को ना उस पर कर लो, वो रिजर्व पे कर लो ना, कहते हैं ये तो होता ही रिजर्व पे यार टाइम ऊपर कभी गया ही नहीं है। तो खैर हमारे थोड़ी बाइक का इशू था, वो क्लच का इशू आया, इस तरह हमने वो ठीक कराया, यानी हमने बहुत टाइम लगाया था, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी उधर। तो फाइनली हमने कहा कि हम आगे आ गए होंगे, आपने बिल्कुल मेरे साथ पीछे पीछे रहना है ना पूना भाई को, हमने कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं साथ आ जाऊँगा। तो अभी वो जो यूँ कट नहीं है, वो जो है वो श्रीनगर वाला जो कट है ना, मतलब एक कट इधर है जो जा रहा है कश्मीर मोड़ है, एक सीधा श्रीनगर, एक सीधा सीधा जा रहा है। तो अब जैसे ही वो कट आया ना, मैंने पीछे देखा कि पीछे आ रहे होंगे खुरम भाई ना, पहले थे मैंने फिर मुड़े, मैंने कहा हैं हैं, जैसे ही हम कट मुड़े हैं ना पीछे मुड़े उस टाइम नहीं है खुरम भाई ना, मैंने कहा यार खुरम भाई कहाँ रहेंगे, पीछे पीछे आ रहे थे। तो कहते नहीं नहीं इधर ही होंगे ना, अब हमने वहाँ बाइक लगा दी, हम वहाँ खड़े हुए हैं। तो हुआ ये है कि खुरम भाई लोग वहाँ मुड़े नहीं है, खुरम भाई लोग स्ट्रेट आगे निकल गया वहाँ से, और उन्होंने ब्रेक भी नहीं, और उन्होंने ब्रेक भी नहीं लगाई ना कि चलो हम पूछ रहे हैं कहाँ, वो बस आगे के जाते गए। आधा घंटा हम लोग खड़े रहे, हमने कहा किधर रह गए यार पीछे थे हमारे, अब ना बैलेंस किसी के पास, ना पैकेज कुछ भी नहीं, खाली मोबाइल उठाए हुए हैं सब ने, किसी के पास नहीं था। तो वो फाज भाई ने कहीं से लोन लिया, अब यहाँ से ना वो जबीला भाई का था कि टाइम ये हो रहे थे, लेट हो रहे थे अपना गुस्सा, तो उधर जबीला भाई को छोड़ना भी था ना, तो इनको अपना गुस्सा चढ़ा हुआ, मतलब कि मैंने पहुँचना था तो मुझे इन्होंने पहुँचाया नहीं है, मतलब लेट कर रहे ना, क्रीम करके बोला। उसके बाद फिर बताएं हाँ जबीला समझाए, हाँ हाँ दोनों साइड के बताए, शॉर्ट शॉर्ट बताए, जितनी लंबी होती है फिर वो बहुत लंबा हो गया। तो वो फिर हुआ इस तरह से था कि उन्होंने कॉल की, फात भाई ने कहीं से लोन लिया है ना मोबाइल का या क्या किया, पैकेज कहीं से हुआ है, तो उन्होंने लोन लेके हमें कॉल किया कि हम आप लोग कहाँ पे हैं, हम लोग कहाँ पे हैं। तो इन्होंने बात किया खिदर भाई ने, और वहाँ से खुरम भाई ने बात किया, तो खिदर भाई ने कहा कि आप यहाँ पे खड़े हैं ना, फोकस कर लो, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे खड़े हैं वहीं पे खड़े रहें, आप बताएं कि आप हैं कहाँ पे, करीब कर लो हाथ में। खिदर भाई ने पूछा कि आप हैं कहाँ पे, तो खुरम भाई कहते हैं मैं ये बोर्ड के साथ खड़ा हूँ यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ 60 किलोमीटर श्रीनगर हाईवे। फिर भी कहते हैं यहाँ पे 1500 बोर्ड है, मैं किस वाली बोर्ड के ऊपर हूँ, हर जगह बोर्ड ही बोर्ड है। तो वो खैर काफ़ी लंबा हम घूमते रहे, हमारे बाइक की चेन भी टूट गई है, वहाँ पैदल घूमे 2-3 घंटे वैसे ही घूमते रहे। तो रात को हम इनके पास पहुँचे हैं, फिर इन्होंने फिर वहाँ की स्टोरी बताई है, आए थे आप अंदर चले गए थे, हम आए थे वहाँ बाद में। ये इतनी बोरिंग स्टोरी थी यार, लेकिन चलो चल जाएगी। अच्छा ये मुख्तसर बात दरअसल मिक्स हो गई है बात, वो ये मैंने कोर्स करना था जी रमज़ान में, तो जिसका गुस्सा अभी तक जी मोहतरम भाई को है, वो अभी भी मुझे वक्तन वक्तन ताने देते रहते हैं। बहरहाल वो हमारे साथ एक कराची के मेहमान आए हुए थे रमज़ान शरीफ में इधर चिल्ले के लिए, अभी यार फवाद भाई, तो वो खैर उन दिनों हमारे भाई का मेरे ख्याल से ताज़ा निकाह भी जो है वो हुआ हुआ था मेरा, तो उसके होना था उसके बाद उसी दिन हमने पढ़ा था निकाह, उसी दिन पढ़ा था, इन्हें खुद ही पढ़ाया था अपना। तो मैंने जाना था कोर्स के लिए, तो पहले मेरे साथ फरीद भी ने जाना था, फरीद भी निकलने वाले हैं, तो उनको वैस भी ने रोक लिया, आपने जाना, फिर ये सारे तैयार हो गए, पहले ये सारे नहीं जा रहे थे फात भाई लोग, जब मैं कहूँ जब ये सारे खिजर भी लोग तैयार हो गए, हमने कहा चले वहाँ से नीचे उतरे, तो ये जा रहे नहीं थे जी, पहले वो किक मार रहे हैं, कोई किधर जा रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है यार कि ये क्या कर रहे हैं, मेरी उधर क्लास लेट हो रही है, ये कभी उधर से खुरम और वो मुझे तसलियाँ भी वैसे ही दें, भाई पहुँच जाएंगे, उनको पता नहीं जाना किधर है, उन्हें सोचा यहाँ भी जाना है। तो अच्छा फिर करते क्योंकि वो इनके साथ थे ना, फिर करते करते हम बाइक पे हम थोड़ा सा आगे आए, तो देखो जो पिछली पार्टी थी वो गायब हो गई है, वहाँ से मौके से गायब हो गई है, पता नहीं पेट्रोल डलवाने के लिए, खैर हम वहाँ से निकल आए,
خان وہاں سے نکل آئے کرتے کرتے پھر اسی طرح سے تو فات خان وہ ہمارے ساتھ تھے, باتیں شاتیں آگے ڈرائیو کر رہے تھے خرم فوجی, تو ہم باتیں کر رہے تھے اسی طرح سے تو سرینا پہنچے تو آگے سے یہ غائب ہو گئے خضر بھائی اور ہمارے ڈرائیو کر رہے تھے بائک خرم بھائی. جب ہم نے ان سے پوچھا یار, اچھا مجھے رستے کا تھوڑا آئیڈیا تھا لیکن رات ہو گئی تھی تو میں کہوں یہ کسی نئے رستے سے جا رہے ہیں لیکن مجھے اس رستے کا پتہ تھا جسے ہم, اچھا جب میں نے کہا میں نے ان کو بتانا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ تو ادھر سے گئے ہیں, میں نے کہا یار یہ سرینا سے ادھر ہے یہ ادھر جا رہا ہے تو نائنتھ ایونیو ادھر ہے, بہرحال جی کرتے کرتے وہ ادھر گئے تو انہوں نے کہا جی چلیں ان کے پیچھے چلتے, وہ پھر نکل گئے, وہ جب روڈ دیکھا میں نے کہا یہ تو رستہ ہی کوئی اور ہے, چلتے گئے کوئی کم سے کم کوئی 4-5 کلومیٹر ہم چلتے گئے تو کوئی بھی ریٹرن آئے کوئی بھی نہ روڈ آئے, روڈ ختم ہی نہیں ہو رہا, میں نے کہا بھائی جان آپ فات خان بھی ساتھ تھے ان کو آ گیا غصہ, ابے یار خرم تیری ایسی کی تیسی بھینس کی دم اور یہ, اور خرم ان نے اتنا پریشر ان پہ ڈال دیا کہ خرم بھی ڈر ہی گئے. اچھا پھر فون جناب ان کا, پھر ہم فون کر رہے ہیں سب کو دکھائی لینا, فون میں کر رہا ہوں میرا کال نہیں اٹینڈ کر رہے یہ لوگ, یہ بائک پہ تھے تینوں, تو پھر بیلنس نہیں تھا کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے, یہ لطیفے چلتے پھرتے کر رہے ہیں, وہ دیکھو کہہ رہا ہے بیلنس نہیں ہے اس لیے اٹینڈ نہیں کر رہے, ان کے پاس بیلنس نہیں تھا اور ہم کر رہے تھے یہ پک نہیں کر رہے تھے, لیکن ان کے پاس ہماری چھوٹی چھوٹی وہ مس کال آتی رہی ہے وہ یاری کال کی وہ جو تھی, تو پھر ہم انہیں کریں گے اٹھائیں نا, پھر نہیں نہیں ہم نے انہیں کی ہے جب پھر انہیں کال ایک اٹھا لی ہے, کال جی انہوں نے کہا جی خرم بھائی نے کہا میں بات کروں گا, میں نے کہا مجھے کہا نہیں نہیں میں کروں گا, فات بھی کو غصہ تھا آگے سے انہیں پوچھا کدھر ہیں یہ بورڈ کے پاس, وہ پیچھے سے فات بھی انہیں کہہ رہے ہیں بے یار یہاں پہ بورڈ ہی بورڈ ہیں یار کیا کر رہا ہے, پھر وہ تو وہاں پہ پہنچے, پھر وہ ان سے پوچھے یہ اور بتائیں جی ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے, تو اچھا میں ساتھ لوکیشن بھی ڈال رہا ہوں, میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوکیشن ادھر لے کے جا رہی ہے, فات خان کہتے ابے یار تیری لوکیشن باڑ میں گئی یہ وہ, وہ آپ مان رہے تھے بات جی, تو پھر کرتے کرتے ہم نے کیا چلے, پھر ہم نے کسی سے پوچھا رستہ, کسی سے رستہ جب پوچھا تو اس نے تو اتنا الٹا بتا دیا کہ اور الٹا ہو گیا, تھوڑا سا پول کے اوپر چڑھتے چڑھتے کہیں اور تھوڑا ہوئے, پھر وہ کسی پھر لوکیشن پھر تھوڑی سی ٹریس کی, پھر کرتے کرتے ہم پہنچ گیا پہنچے خیر وہاں پہ, اب جب پہنچے تو دیکھو میرا تو بیگ ہی نہیں ہے, بیگ والی پارٹی یہ تھی, میں کہہ رہا یار ایک تو چیزیں پہلے سے ہی کام تھی چونکہ میں یہاں آفس سے گیا ہوا تھا, گھر سے میں آیا ہوا نہیں تھا, میرے پاس آلریڈی چیزیں کام تھی. اچھا کرتے کرتے بیگ پہنچایا, فات خان کہتے ابے باقی تو ٹھیک اب تو کھانا کھلائے گا, میں کہوں فات خان یہ پتہ نہیں بھی مجھے گھسنے دیں گے نہیں گھسنے دیں گے, میری انٹری نہیں ہوئی بھی پتہ نہیں کیا ہے, نہیں نہیں اور غصے میں تھا جی, کھانا کھا کے جاؤں گا. اچھا جاتے جاتے نہیں فات بھائی آپ کو آپ بتائیں گے, ہم اگلی دفعہ آپ آئیں گے تو ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے, فیصل مسجد ضرور دکھائیں گے. اچھا جاتے جاتے چلیں میں تو خاموش ہو ہی گیا ہوں, جو خرم کے ساتھ ہوا ہے نا میرے بھائی کے ساتھ وہ بڑا جو ہے نا وہ فات خان نے پتہ نہیں وہ جو معاملات ہیں سارے اس کے اوپر نکالے ہیں, ابے یار تیری تو آیا کیوں ہے, تجھے رستہ نہیں پتا تھا تو آیا کیوں ہے, اس نے پھر پوچھا بھائی تو آیا کیوں ہے, اس نے کہا یار اویس میں نے بھیجا, اور بھلے تجھے اویس نے بھیجا تو آیا کیوں ہے, تجھے رستہ نہیں پتا, تجھے پتہ نہیں اس دن ہم ادھر بھی 26 نمبر لے کے گئے ادھر بھی تجھے رستہ نہیں پتا تھا, ادھر تو آیا کیوں ہے. چلو جی تصیف کریں خرم بھائی, پھر ان کو بتا رہے ہیں یار کہ وہ اب اویس بھائی ہیں, اب ان کو بتاؤ جب اس طرف سے رکھے نا. ہاں اس میں ایک اور فنی سین یہ ہوا تھا کہ جب پہلے تو کال پک نہیں کر رہے تھے نا, جیسے ہی کال پک ہوئی ہے نا تو اب فہد بھائی کو غصہ تھا صحیح والا نا, کہ تینوں لوگ ایسے ادھر آ گئے جن کو رستے کا پتہ ہی نہیں ہے, جو دو اسلام آباد کے واقف ہیں وہ ایک بائک پہ ہیں جن کو رستے کا پتہ ہے, جو تینوں ان نون ہیں جنہیں یعنی رستے کا صحیح معلوم ہی نہیں ہے ان کو ایک بائک پہ بٹھا دیا. اب عبداللہ بھائی بتا رہے ہیں کہ جیسے فہد بھائی نے کال پک کی ہے نا, پہلی کال پک ہوئی ہے جب انہوں نے کی ہے, اب فہد بھائی نے غصے میں باتیں
बोला पूरा बल्ला कहना स्टार्ट कर दिया ना, अभी यार तुम लोग छोड़ के किधर चले गए, ये वो आगे पीछे ना। अब्दुल्ला भाई कहते हैं यार सब्र करो, बैलेंस इतना खत्म हो जाएगा। काम की बात करें, आप लोग हैं किधर, गुम हो गए तुम, बैलेंस इतना ही है, थोड़ा सा है वो तो, इतने में बात कर रहे थे, इतने में बात कट गई। डांस खाते खाते उधर बैलेंस ही खत्म हो गया। ये भी उनके साथ प्रैंक हुआ था। वो बता दी अब्दुल्ला, वो फाद को, फाद को इसका भी गुस्सा था ना कि वो मैंने फैसल मस्जिद देखनी थी, ये रास्ते घूमते घूमते फैसल मस्जिद नहीं देख सका मैं। एक वो था जब अवैस भाई और गए हुए थे शार भाई ना कासिम भाई की तरफ, काफी करीब करके बोला तुम्हारे बिल्कुल यहाँ पे नहीं आ रहे, यानी काफ़ी पहले की बात है, जब 2021 के शुरू की बात है ना, कासिम भाई की तरफ जाते थे अवैस भाई, तो काफ़ी दिन हो गए तो अवैस भाई वापस नहीं आए ना उधर से, यानी 20-25 दिन तकरीबन वापस, मैं अकेले ही रह रहा था ऑफिस में, तो 25 दिन बाद अवैस भाई वापस आए हैं ना, तो साथ में शहर भाई भी थे, तो आए हैं, खैर खाना वगैरह हमने खाया है। अब मेरी डेली की रूटीन इस तरह की थी कि अकेले सोना, अकेले उठना, काम वगैरह करना, तो वो बंदे की एक दिमाग में बना हुआ होता है ना, लेट नाइट आए हैं तो खाना वगैरह खा लिया है, खा के ना, तो अवैस भाई घर चले गए, शार और मैं सो गए, सोए हैं ना। अब इस तरह सीन हुआ है कि जब लेट नाइट मेरी ना, बल्कि फजर टाइम मेरी आँख खुली है, फजर टाइम मेरी आँख खुली है ना, तो अब मैंने बाएँ तरफ देखा है ना, तो कोई बंदा सोया हुआ है। 25 दिन से मैं अकेला रह रहा हूँ, मेरे दिमाग में वही कंसेप्ट है कि यार कोई नहीं होता ऑफिस में, मैंने देखा है ना, तो अब मैं अंधेरा था, मैं देखूँ, मैं कहूँ यार बंदा कौन है ऑफिस में। अच्छा फिर मैंने सोचा है कि शायद कोई आ गया है, कोई चीज़ उठाने आया, फिर लेकिन मैंने सोचा यार उधर, अब मैं सोए ना सोच रहा हूँ, पहले मेरा दिल किया कि मैं नवीद होता था नीचे चौकीदार, मैंने कहा उसको कॉल करता हूँ, फिर ना उसका नंबर भी था, मैंने सेलफोन कहा था, लेकिन मैं फिर सोचने लगा, मैंने कहा यार अगर कोई ऐसा होता ना बंदा, कोई चोर डाकू, चोर डाकू थोड़ी था, तो उसने साथ आके सोना थोड़ी था, वो पैसे उठाता, सेलफोन लेता, चला जाता, कैमरे वगैरह पड़े हैं, लैपटॉप पड़े हैं, चला जाता। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई है, मैंने कहा यार मैंने ना अगर वो दूसरा लॉक हुआ तो चले फिर ठीक है, लेकिन मैंने कुंडी भी लगाई है, अब मुझे इतना भी याद आ रहा है, मैंने कहा बंदा कौन है यार जो मेरे साथ सो गया, अवैस भाई भी नहीं, कुंडी भी लगी हुई, अंदर भी आ गया, बंदा भी अंदर आ गया। इतने में मैंने फिर सेलफोन उठाया है ना, ऐसे मैंने वो दूसरी लाइट जो होती है ना करीब करके शार भाई के फेस की तरफ की है ना, तो मुझे समझ आई, मैंने कहा यार ये तो शार भाई है। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा यार वो काफ़ी दिन से नहीं थे ऑफिस में, वापस आ गए। वो वाला वो बड़ा वो भी एक मुदस्सर ने क्या किया के साथ। वो मुदस्सर है ना, वो बहुत वो है, सुपर नेचुरल ज़्यादा ही हो जाता है, मतलब अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, मसलन ठीक है अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला दिखाता है चीज़ें, ख्वाब भी दिखाता है, चीज़ें भी बताता रहता है, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ फरिश्ते, बहुत ही सारे फरिश्ते हैं, सुपर नेचुरल नहीं, मटीरियल की दुनिया, इसबाब की दुनिया उसी तरह हो रहा है ना, तो वो मुदस्सर है, वो बहुत सुपर नेचुरल हो जाता है ना, हर चीज़ को ही वो समझने लग जाता है। तो वो है हमारा, तो वो सीरियन है, US में रहता है, तो वो हेल्पर है, वो इधर आया बताना, तो उसके सारे बाल गोल्डन है, बिल्कुल गोरा सा है, और वो वीडियोस भी हैं उसकी माशाल्लाह। तो अब वो मुदस्सर कहे कि ये कोई फरिश्ता इंसानी रूप में आ गया है, ये कोई और मखलूक है। अच्छा वो मुझे बिलीव कर बैठा मुदस्सर इस बात पर, और कहे नहीं ये कहाँ से आया इसका टिकट, ये वो, ये फर्स्ट फेक है, ये है वो है, ये कुछ रिश्ता आ गया, और ये वो फलां पासपोर्ट, मतलब वाकई उधर से आया, वो हमें यकीन ही ना करे कि ये वाकई। अच्छा एक तो बहस वो बहस, तो फिर चुप हो जाए आगे से, तो हम भी चुप हो जाए, हमने कहा भी पहले हमने समझा मजाक कर रहा है, फिर उसने सीरियस जब लेना शुरू कर दिया, फिर हमने समझाया बताया, तो चुप हो गया। अब हमें नहीं पता था कि उसके दिल में से बात नहीं जा रही ना, तो ये फिर तस्वीर ने देखा उसे कुछ करते हुए, देखा मैंने। वो असल में इस तरह का सीन हुआ था कि मुदस्सर के साथ थोड़ी मेरी ज़्यादा बनती थी, यानी वो आया हुआ था ऑफिस में, वैसे ही 2-3 दिन ठहरने के लिए आ जाता था गपशप के लिए, तो
भाई भी थे, लेने खाना शुरू करें सब लोग। अब इस तरह का सीन हुआ कि यानी उसने इस तरह किया कि उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये पता नहीं अब फरिश्ता है बंदा है क्या किया है। उसने ना जब सो गया है ना, अब उसने रात को ना उसको चेक करने के लिए ना कि बंदा है कि फरिश्ता है ना, उसके नाक पे कहीं ना कहीं जाके ऐसे किया है, उंगली डाली है सर पे, ऐसे लगाई है ना, बीच में से गुजरती है कि नहीं गुजरती है कि ये बंदा है क्या चीज है। जैसे ही उसने किया है ना तो यार भाई की आंखें खुल गई। आमने सामने सोए हुए थे मैट्रेस पे, जब ऐसे देखा है तो सामने मुदस्सिर भाई उसके ना ऐसे नाक नाश्ता करवाओ ना, मैं उसके साथ नाश्ता करने गया हूँ, मैं नाश्ता करवाने गया हूँ तो ना मुझे मुदस्सिर कहता है यार मैंने ना इस तरह चेक कर किया है रात, तो वो डर गया है भाई कहीं अवैध भाई के साथ गए हैं बाजार तक, पता नहीं बाइक पे कहीं, उन्होंने अवैध भाई से पूछा है कि ये मुदस्सिर बंदा ठीक है, ये हेल्पर है कोई और तो नहीं है, यानी ये कोई बिलीव ही ना करता हो तो इस तरह ये रह रहा है इधर। तो अवैध भाई कहते हैं नहीं नहीं बंदा तो ठीक है पहले से आता है ये वो। यार भाई ने पता नहीं इनको बताया नहीं बताया कि मेरे साथ ये वाला प्रैंक किया है। तो वो फिर बड़ा शुगर लगा रहा था बाद में भी, हम याद करते थे सुबह। वो एक दिन तुम वॉशरूम में थे तो क्या हुआ था, बाहर से क्या आवाजें आई थी? वो सुनाने वाली है। बंदे का नाम ना ना लो, वैसे ही सुना दो। अच्छा बंदे का नाम नहीं, वो इस तरह था कि अवैध भाई भी बाथरूम में थे। मैं बाथरूम में था, आप अंदर ही थे, अंदर था इस वाले में। अच्छा अच्छा, ऑफिस वाले में, साथ वो मस्जिद वाली जो नमाज के लिए जगह हमने बनाई हुई थी उस जगह उधर मैं था, मैंने नमाज पढ़नी थी, मैं उधर वजू कर रहा था। अब हमारा वो यानी ग्राउंड पे तो है नहीं, फर्स्ट फ्लोर था ऑफिस का ना, तो अब मुझे इस तरह फील हुआ है ना कि फर्स्ट फ्लोर पे ना भौंकने की आवाज़ें आ रही हैं, कुत्ता आया हुआ है। अच्छा मुझे सही आई है, मैंने कहा यार ये इधर कैसे आ गए, मैंने जल्दी जल्दी वजू किया, मैंने कहा मैं बाहर निकलता हूँ, वो नमाज वाली जगह खुली होती थी तो ऐसा ना हो कहीं वो कलीन पे अंदर आ जाए तो मसला है। मैं भाग के बाहर निकला हूँ ना तो मैं देखता हूँ कि बाहर बिल्ली है ना, ऑफिस के बाहर बिल्ली आई हुई है, और अंदर वो जो भाई थे ना वो बिल्ली से डरते थे ना, हेल्पर थे हैं भी अभी भी, तो वो बिल्ली को डराने के लिए ना अंदर से अंदर से कुत्ते की आवाज मैंने अवैध भाई को बताया, अवैध भाई को मैंने कहा अवैध भाई ने कोई आवाजें सुनी थी ना कुत्ते, तो अवैध भाई ने कहा कि ये पता नहीं अब इन्हें समझ आई थी, फिर मैंने इन्हें बताया कि मैंने कहा ये भाई इस तरह ना बिल्ली से डर की वजह से ना कुत्ते की आवाजें निकाल रहे थे, और लोग हमें कहते हैं कि ये इनकी पॉलिसी है एजेंडा है क्या कि भाई हमारे साथ तो वो लोग हैं जो बिल्ली से डर जाते हैं। नहीं ये तो बस ऐसे वो असल तो डर तो नहीं होता, वो जैसे नहीं झिझक सी, वो ऐसे थोड़ा सा वो क्रात सी करते हैं जिसको कहते हैं हमारी ज़ुबान में, तो वो असल तो अल्लाह से डरते हैं सब लोग। तो इस तरह अगर स्टोरी सुनाते रहे तो बहुत है यार, को मेरी भी सुना दो, सब आप लोग ही फनी काम करते रहे, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ कभी। इस तरह का सीन मुझे तो नहीं यार, नहीं यार वैसे तंग मैंने बहुत किया है लेकिन कोई इस तरह का नहीं है। तो तंग बहुत किए एक दफा पहले मैं ऐसे करता था ना कि शुरू शुरू में ये लोग आए थे तो जो बात नहीं मानता था वो वाला लगा लें फिलहाल, उधर लगा हुआ ना।
शुरू में ऐसे करता था ना मैं कि काम किसी को कुछ कहे वो तो कोई शरारत करता था या कुछ, तो आप शरारत तो नहीं होता ना, काम नहीं हो सका, लेट हो गए, वो तो आप डांट तो नहीं सकते, सब वॉलंटियर हैं, अल्लाह की रजा के लिए आए हैं, कोई जाती मुलाजिम तो कोई किसी का नहीं है ना। तो मैं ऐसे ना कभी ऐसे प्यार से कहता था, कभी बार बार याद कराता था, फिर भी कुछ ज़्यादा करे ना, तो फिर मैं सोचता था इनका क्या करूँ अभी मैं ना, डांट भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते, कुछ और भी नहीं कह सकते, कुछ जाती मुलाजिम तो नहीं है ना, अल्लाह माफ़ करे, वॉलंटियर्स हैं। मुझे एक आइडिया है, मैंने इसको और शार को या ऐसे ना ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे यूं यूं किया ना, जैसे मैं बच्चों को नहीं जो भी आता गुदगुदी करता हूँ, इसको तो जीव को भी बहुत सख्त होती है ना, भी करो तो दूर से भी ऐसे करो ना, तो ये उतनी इसको और शार उसको भी शार को भी बहुत होती थी। तो इसने कुछ शरारत की क्या किया या कोई ऐसे काम में कोई मसला था, तो मैंने इसको की है ना गुदगुदी की है, तो ये बहुत ऐसे चिड़े ना भागे कि नहीं ये नहीं करना। और इसके साथ मैं कहता हूँ तो इसको ऐसे ये थोड़ा ऐसे कर भी दो ना, तो ये रिएक्शन में अपना ही कहीं हाथ पाँव मार लेता है, इतना सख्त रिएक्शन करता है ये, अपना ही कोई चोट लगवा लेता है। तो ऐसे दो तीन दफा, तो एक दिन मुझे कहता है वैसे भी मैं आपका लिहाज करता हूँ, आप क्या समझते हैं कि आपकी गुदगुदी से मुझे कुछ होता है, मैं लिहाज करता हूँ आपका। तो मैंने कहा अच्छा ये बात है, आओ ना ज़रा। तो मैं ऐसे इसके पीछे भागा हूँ ना, भागा क्या वैसे थोड़ा सा ऐसे मैंने इसको किया ना, ये इसने समझा आज मेरी खैर नहीं है, वैसे ही ने चल ही ले ली, मैं इतना भी थोड़ा सा ऐसे ही मैंने किया, ये भाग बड़ा सरपट, इसने नहीं देखा आगे क्या है किधर है, तो भागते हुए वॉशरूम की तरफ गया कि भाई उधर मैं अंदर से कुंडी लगा लूँ। अच्छा अब ये गया वॉशरूम की तरफ इतनी स्पीड से कि मुझे मौका भी नहीं मिला, मैं डर गया हूँ कि वो वॉशरूम गीला होता है, कुछ स्लिप हो जाएगा, कुछ हो तो इसको चोट वोट ना लग जाए, और ये करता भी ऐसे ही है, इसको थोड़ा सा ऐसे करो ये खुद को चोट लगा। वही हुआ, मेरे कुछ बोलने करने से पहले ये जूई वॉशरूम में छड़प मुँह के बल बेचारा नीचे गिरा, और वो वॉशरूम में ऐसे वो टाइल भी ऐसे निकली हुई थी बिल्कुल उसके साथ, अल्लाह ना करे इसको लग जाती तो बहुत नुकसान हो जाता। उसके बाद से फिर मैंने कोई बैड इंटेंशन तो थी नहीं, लेकिन क्या क्या किया था ये बेहतर तरीके नहीं नहीं आप हाँ अब्दुल्ला बताएंगे क्या किया था, बताओ जी, चले जी अब्दुल्ला को। वो हुआ इस तरह से कि मैं तो सही भाई और वैस भी बैठे हुए थे एक साथ ही ना टेबल के साथ जो चेयर हैं, तो हमें वो न्यूज़ मिली है कि इमरान खान जो है वो नाहल हो गया ना, या पता नहीं कुछ मतलब उसके ख़िलाफ़ कोई आया था फैसला, तो मैंने खुशी मैंने एकदम से ना यस यूं किया है, तो सही भाई का त्राह निकल गया एकदम से, क्या हुआ है। उधर अवैस भी हंसना स्टार्ट हो गया कि ये उसको बहुत ये चीज़ फील होती है एकदम से जब कोई करे ना झटका। ये काट देना भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी हैवी आ गया। फरीद भाई का कोई किस्सा नहीं सुना यार। हाँ फिजर ने भी सुनाई है थोड़ी बहुत, फरीद भाई रहते हैं। फरीद भाई एक है हाँ, वो जो भूल गए थे यार वो तो इतनी फनी नहीं है, हाँ वो है ना खेडांगे ना खेडन देंगे, वो सही है, वो भी है और ये भी है, लेकिन वो ये मुझे डर था जब इनकी वो यादाश्त वाला मामला हुआ ना गिरे। अब मैंने इनसे ये रास्ते में पहले तो ठीक थे, थोड़ा सा लोगों को पता नहीं है बताओ हुआ क्या है। जुम्मे के सेशन में जा रहे थे मैं, उमेर भाई और फरीद भाई। हाँ ये कैमरा फरीद भाई पे लगाओ भाई, उस वो तो सुना रहा है ना, ये इनके रिएक्शन बड़े नोटेबल है, फेफड़ों के इनकी फेफड़ों की एक्सरसाइज। नहीं नहीं खाएंगे चले जी। इस तरह हुआ कि ना वो इस तरह हुआ कि फरीद भाई मैं और उमेर भाई जा रहे थे, जुम्मा सेशन था, अवैस भाई अब्दुल्ला भाई और खेदर भाई पहले पहुंचे हुए थे फैसल मस्जिद, तो हम बाद में जा रहे थे एक ही बाइक पे थी,
तो वो अचानक हमारे साथ किस तरह मामला हुआ कि बाइक से हम गिर गए ना, अल्लाह ताला ने बचा लिया तो इतना नॉर्मल। लेकिन ये ना, ये सर के बल गिरे हैं तो हेलमेट वगैरह था, लेकिन जब पीछे सर लग गए ना तो उस टाइम ठीक थे बिल्कुल ही। मैंने ने उठाया छुटाया, उमैर भाई को उठाया, उमैर भाई वो बाजू पकड़ के जैसे करने लग गए ना, कहते हैं मेरा बाजू ये हो गया वो। मैंने कहा यार कुछ नहीं, अल्लाह ना करे अगर ऐसे होता तो तुम बाजू ऊपर ही नहीं कर सकते। लेकिन अब फरीद भाई ने ना, पहले कहते हैं मैंने इनको कहा कि ऑफिस चलते हैं, दूध वगैरह वहाँ पे पियेंगे, रेस्ट करें, इंजेक्शन वगैरह लगवा लें, इंजेक्शन वगैरह लगवा लें। तो फिर इनको थोड़ी ज़्यादा हो गया था, तो बाद में ना चले जाएंगे सेशन के लिए। तो फरीद भाई कहते हैं नहीं नहीं कोई मसला नहीं, जैकेट है ना ऊपर पहन लेते हैं, चले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। फरीद भाई को बिठाया, बाइक मैं चलाने लग गया हूँ, मेहर भाई बैठ गए, थोड़ा आगे आए हैं ना, जैसे ही कोई हवा लगी है पता नहीं क्या चक्कर हुआ है, फरीद भाई ना अचानक कहते हैं कहाँ जा रहे हैं बाइक पे ना। अब मैंने पहले मजाक समझे, मैंने कहा मजाक कर रहे हैं तू ना, मैंने कहते कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा है कि जुम्मे के लिए जा रहे हैं, कहते हैं आज जुम्मा है, मैंने कहा जुम्मा है। अच्छा दो तीन इस तरह क्वेश्चन किए, कहते हैं यार मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे समझ आई कि मैंने कहा यार वाकई इसको वो अचानक हो जाए तो बाज़ औक़ात बंदा भूल जाता है चीज़ें। तो मैंने कहा कि एक दो क्वेश्चन मैंने वैसे किए, मैंने कहा यार इतना पता है कहाँ आए हुए, कहता है हाँ इतना तो पता है इस्लामाबाद। मैंने कहा किसके पास आए हुए, कहता है वैस भाई के पास। मैंने कहा चलो इतना तो समझ है, आगे गया हूँ ना, क्या हुआ दोबारा बताएं जरा। मैंने इसे दो तीन क्वेश्चन किए ना हाँ। बाइक पे मैंने कहा इतना पता है कहाँ आए हुए, कहता है इस्लामाबाद में। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने पूछा कि बाइक पे चलाते हुए मैंने कहा कि यानी किसके पास आए हुए, कहता है अवैस भाई के पास आए। मैंने कहा चलो शुक्र है। तो ना फिर बाद में जब ये आगे थोड़ा सा गया ना तो वो मुझे हंसी भी आ रही थी और मुझे वैसे भी था, मुझे ये तो था कि सदमा है तो वो अचानक सदमा लग गया या जैसे भी हो गया है थोड़ा दिमागी तौर, लेकिन ठीक हो जाएंगे। बाद में जब ये ठीक हुए हैं तो अब पत्नी करना चाहिए कि मैं इनके साथ हंसने लग गया। मैंने कहा यार फरीद भाई मुझे, मैं तो डर गया था, ऐसा ना हो आप ऑफिस में जाएँ ना तो आप मुझे कहें कि जाएँ भाई वो या वो दूसरे, यानी कहते हैं मैं थंबनेल बनाता हूँ और रोल चेंज ना सारे सारे रोल चेंज कर दें, किसी को किसी काम पे लगा दें। अवैध भाई वीडियो बनाते हैं। आपने कासिम भाई का नहीं पूछा? कासिम भाई का भी मैंने पूछा था। मैंने कहा अवैध, वो तो मैं मजाक में कह रहा था, मैंने कहा यार फरीद भाई मैं तो डर गया था कि आपको शुरू से ना समझाना पड़ेगा, अलिफ से इमाम मेहदी, मीम से मोहम्मद कासिम। तो हंसने लग गए, कहते हैं नहीं नहीं वो मेरी यादाश्त है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, जो भी हुआ था जब आपने वो शीशे में देखा तो बंदा खड़ा, आपने कैमरा लगाया पहली बात तो ये है कि वो अक्सर मुझे थोड़ा होता भी है दिमागी तौर पे, कह सोचता हूँ अक्सर ना अल्लाह ताला की रहमत है, बस उसकी रहमत और अता से आ गया, इन लोगों ने गजवा इंदौर नहीं बेहतर हाँ, हमारी क्या, 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 क्या हम कुछ करेंगे इन चीज़ों से पता भी चलता है। ये पिछले दिनों की बात है। उस तरह हुआ कि सारे ये सो गए हैं ना ऑफिस वाले, मैं काम कर रहा था तो लेट उठा हूँ थोड़ा, रात दो या तीन का टाइम था, लाइटें वगैरह बंद थी सारी, वो घड़ी वाली लाइट जल रही थी सिर्फ, इधर वाली वो गैरली थी ना ऑफिस में तो खाली थी, तो वो ऊपर तक खाली है। मेज़ उतारने वाला बाकी सुना दो। तो वो मैंने देखा है कि ना उस शीशे में कोई बंदा मुझे नजर आया रिफ्लेक्ट
रिफ्लेक्शन था। अब मैंने गौर से देखा है ना, मैंने कहा यार ऊपर से बंदा कहीं ना तीसरी मंजिल नीचे आया हुआ है। अब मैंने उसे थोड़ा गौर से देखा है, मैंने कहा बंदा कौन है इधर कैसे जाना भी नहीं आपने, ये अभी सेंसर किया था फिर तुमने डाल दिया। अच्छा वो ना, अब वो मैं बंदा, मैंने कहा यार बंदा कौन है इधर कैसे पहुंचा है। ऑफिस का दरवाजा बंद है, सारे सोए हुए हैं। अब वो मेरे हाथ में इसी तरह, वो सामने सोफा पड़ा हुआ था साइड पे ना, तो उस पे सेल फोन पड़ा हुआ था, जैसे वो शार भाई वाली मामले में मैंने सेल फोन जलाया था ना, इसी तरह उठा के ना मैंने जला के सेल फोन शीशे की तरफ किया था। मैंने देखा यार, मैंने कहा ये तो मैं खुद हूँ लेकिन नहीं, वो मसला ये है कि वो जो शीशा है ना उसमें वो नजर आता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो वो रात को रिफ्लेक्शन पड़ा है ना, मुझे समझ नहीं आई, मैं समझूंगी कोई बंदा ऊपर से नीचे उतरा हुआ है। वो तो मैं साथ नहीं था, वो खुरम भाई ने, वो फादर ने मुझे सिर्फ बताया है। वो दो सीन इस तरह हुए थे कि खिजर भाई ना पहले बैठे हैं कहीं फाद भाई के साथ, तो किक्के लगा रहे हैं बाइक को ना, बाइक नहीं स्टार्ट हो रहा, तो ना फाद भाई गुस्से में कहते हैं, उनको कराची से आए हुए थे नए नए, तो फाद भाई ने गुस्से में उन्हें कहा है कि यार उसे रिजर्व पे कर लो। तो ना खिजर भाई आगे से कहते हैं कि ये तो फाद भाई, ये तो रहते ही रिजर्व पे है, हम तो ऑन पे कभी आए नहीं, हम 50 या 70 रुपए का डलवाते हैं जहाँ जाना होता है चक्कर लगा के आ जाते हैं, ये रहते ही रिजर्व पे है ना। तो फाद वापस आया, मुझे कहते यार मैं सोचता था ये अवैस नसीर हर वीडियो के एंड में कहता था फकीराना आए सदा कर चले कहते हैं ये सारे जो ऑफिस वाले हो ना तुम सारे इसी तरह इस फकीराना हो। कसूर है, फिर बताओ। वो कहते हैं ये तुम सारे ऑफिस वाले हो ना, मैं पहले वीडियो हर वीडियो में सुनता था फकीराना आए सदा कर चले, अब मुझे समझ आइए ये क्यों कहते सारे तुम फकीर। जाना 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर है और 70 रुपए का पेट्रोल डलवा जेब में से पैसे। अब तो कुरम भाई तो है नहीं वही सुना सकते थे, वो तो 26 नंबर वाला जब आपको छोड़ने गए थे उधर न्यू न्यूज का था उस वक्त हुआ था। बाकी वो सेंसर वाले क्या कहा, वो डबल सेंसर वाले क्या कहा था, बाद में सेंसर कर देना, मैं तो बताऊं उधर भी सुनाने वाली नहीं है। वो इस तरह था कि जब आप न्यू न्यूज की तरफ जा रहे थे तो आपने कहा कि मुझे छोड़ो, जिस तरीके की मर्जी छोड़ा मुझे तो उधर छोड़ के आओ ना, हाँ। जो भी मर्जी हो जाए। तो फाद कहता है मुझे रास्ते का नहीं पता था, तो खैर जब आपने कहा कि नहीं नहीं छोड़ के जाना है मुझे तो छोड़ के आओ, तो साइड पे जाकर सुन ले आवाज आ रही है, कहते हैं कि जब हमने पेट्रोल देखा है ना बाइक में, पेट्रोल भी कम था, 26 नंबर जाना था फैज़ाबाद से ना, तो पेट्रोल भी कम था। तो फाद भाई कहते हैं खुरम भाई को ना कि तुम्हारे पास कोई पैसे हैं, अब उसके पास भी नहीं थे, खुरम भाई कहते हैं हाँ है पेट्रोल डलवा ले कहते हैं कि कितने में ना, खुरम ने वो बड़ा ना पैंट से ना ऐसे निकाले हैं ना, 1 50 वाला और 20 वाला ना 70 रुपए कहते हैं हाँ डलवा लेते हैं ना, वो उसने पकड़े हैं ना फाद ने कहता 70 किलोमीटर दूर जाना है 70 रुपए का पेट्रोल है, यार तुम लोग क्या चीज हो वापस भी आना है फिर उधर से वापस भी आना था बहुत फाद भाई के साथ बहुत शुक्र वो फाद जब नया नया ग्रुप्स में आया था उसको बार बार निकालना पड़ता है, एक दिन तो दजाल को लैंड करा दिया दोनों ने, दजाल को भी लैंड कराया था, तो वो मोहसिन था कराची वाला ना, हर तीसरे दिन अवैस भाई उसे ग्रुप से बाहर निकाल देते थे ना फाद भाई को, तो कराची का नए अब हेल्पर होता था, तो नया बंदा जैसे ही ऐड होता था ना ग्रुप में तो वो इंट्रोडक्शन होता था, फाद को अवैस भाई ने निकाला,
फिर ऐड किया, फिर निकाला, इस तरह कोई शरारत करता था निकाल देते थे, फिर कहता नहीं नहीं ये वो ना कह के तो फिर वापस आ जाता। एक दिन इस तरह हुआ कि बल्कि उसके अब्बा का मसला भी चल रहा था कुछ, एक दिन इस तरह हुआ कि फाद को ना अवैध भाई ने कहीं दोबारा ऐड किया है ना, तो मोहसिन लड़का था कराची का, वो नया नया ऐड हुआ था, तो उसे पता चले, उसने देखा कि यार ये कराची का कोई फाद खान है ना, तो उसने कहा कि भाई आप कैसे आए हैं, कैसे कब से आए हैं, उसने कहा यार मैं हूँ तो पुराना, मेरा आना जाना लगा रहता। तो ये वाला बहुत चलें जी, इस तरह स्टोरीज तो बहुत हैं हर एक की ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी अच्छी कम्युनिटी बनाई हुई है, मोहब्बत डाली है, अब तो फैमिलीज़ भी जुड़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे, दिलों को भी अल्लाह ताला जोड़ रहा है सहाबा की तरह, अंसार और मुहाजरीन वाली सूरत हाल है, तो अल्लाह ताला सबको हक पे इस्तकामत दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम वो जान लो जो मैं जानता हूँ तो तुम बहुत ही कम हंसो और बहुत ज़्यादा रो। तो ये तो ऐसा ही मामला है, आप लोग कहेंगे कि जी हर वक्त ही वो डराते रहते हैं ये वो, तो ये हंसना खेलना भी अच्छा लगेगा, लोगों को कहेंगे ये ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हंसना खेलना भी है लेकिन कम। तो असल फ़िक्र यही होनी चाहिए कि इन्ना अरज़ना लमानत अला समावाती वल अर्दि वल जिबाली फबैना यहमिलना व अशफ़क़ना मिन्हा व हमलहा लिंसान इन्नहु काना ज़ुलूमन जहूला, के 7 लाख साल से हमारे ऊपर एक बोझ है जिसको अभी तक हम उस अमानत को अदा नहीं कर पा रहे, असल फ़िक्र उसकी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है बिल्कुल कि एक साथी हमारे उनकी तरफ मुझे जाना हुआ अपनी फैमिली के साथ, तो उनके घर में तो जैसे क़यामत आई हुई थी, बच्चों को भी डराया हुआ, बीवी को भी डराया हुआ, हर एक को डराया हुआ, खुद भी डरे हुए बिल्कुल, ना मुस्कराना ना हंसना ना खेलना ना कूदना कुछ भी नहीं, ऐसा सूरत हाल थी। तो मैं अपनी वाइफ के साथ जब वहाँ पे थोड़ा टाइम उनके साथ, तो वो हमारा तो बड़ा लाइट सा होता है, फ़िक्र अल्लाह की तरफ ही हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप नॉर्मल लाइफ ही ना गुजारें। तो उन्होंने देखा ये तो बड़े नॉर्मल इंसान हैं, पहले उनकी वाइफ बड़ी चिढ़ती थी, तो बाद में जब उन्होंने हम लोगों को देखा तो वो उनको फिर एहसास हुआ कि नहीं नहीं नॉर्मल लोग ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो माशाल्लाह अब उनकी वाइफ भी हेल्पर है पूरी, उनकी फैमिली जो है वो बड़ी अच्छे सपोर्ट करती है। तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हर वक्त ही डरा के रखे, बैलेंस होना चाहिए। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत रहमत और बरकत है। तो अभी जो आने वाला वक्त है जनवरी वाला, उसको हमने नहीं भूलना, आने वाले अजाब के, आने वाले तकलीफ़ से, आने वाली परेशानी से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अहले हक को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ में ही दिल में बड़ाई, दिल में तकब्बुर, दिल में ये नहीं आ जाना चाहिए कि हम कहीं नऊज़ुबिल्लाह किसी से बेहतर हैं। लेकिन ऐलान जंग हो चुका है, वो आप लोगों को, जो लोग हमारे लेक्चर्स फॉलो करते हैं उनको पता होगा, अल्लाह और उसके रसूल ने कुफार के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। लेकिन अहले हक को अल्लाह ताला इंशाल्लाह सुरखरू फरमाएगा, अल्लाह ताला हम सब को अहले हक में से रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसालिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व अली बैतिही अजमाईन।